अच्छा गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए चार मीनार। आप देख सकते हैं चार मीनार का हाल। गाइस, इस जगह पे पैर रखने तक के प्लेसेस नहीं था। आप ये देख सकते हैं पूरा खाली है। और ये कबूतर डिजाइन कितने सो खूबसूरत लग रहे हैं। चार मीनार पूरा ही खाली पड़ा हुआ है। कुछ कुछ लोग आए हुए हैं जो कि सेल्फी ले रहे हैं। और लॉकडाउन ने तो सबका हालत ख़राब कर चुका है, बट इतना मुझे नहीं पता था। ये मेरा सेकेंड डे आउट है जो कि मैं चार मीनार को मैंने सोचा कि मैं जाके आ जाऊँ। काफ़ी शॉप्स बंद है आगे। अच्छा है पवनी, देखो पवनी मतलब अच्छा है ना। देखो ये कुछ कुछ चीज़ें, एक वेंडर मिला जहाँ पे थोड़ा रफर्स और क्लिप्स था, तो मैंने कुछ ले लिया, दो तीन सामान ले लिए। मैं यहाँ से आई हूँ, इतना दूर तो खाली आता जा नहीं सकती हूँ, तो मैंने कुछ शॉपिंग यहाँ से कर ली। सकते एक वेंडर था जिसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया, और क्लिप लिया मैंने। और ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है गाइस, 3-4 मंथ से जो अभी सबका हालत ख़राब हुआ चला है। और ये कोरोना की वजह से न्यू आइटम कुछ नहीं है, तो वही पुराने आइटम सब है। बट मैंने उसमें से ही कुछ कुछ चीज़ें ली मैं अपने लिए, ज़्यादा नहीं ले पाए मैं क्योंकि ज़्यादा कलेक्शन नहीं था। और अभी जितना आप देख सकते कितना खाली खाली पड़ा हुआ था सारा चार मीनार, तो मतलब कोई शॉप ही नहीं था। आप कुछ जा सकते हो बट आपका वेस्ट हो जाएगा जाना भी। मतलब अभी अभी जस्ट पूरा रीओपन हुआ है बोल के शायद मे बी। आप यहाँ देख सकते, ये बैंड मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया, पर मैं लास्ट में लेना भूल गई उसको। मैं देख रही थी चूहा मैंने और लेना भूल गई मैं। और बस ऐसे ही खाली खाली है, कुछ कुछ सामान नहीं है। कुछ कुछ सामान लगाया हुआ है और बहुत ही कम है। और वैसे जैसे क्राउड रहता है ऑल टाइम, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। और आप ये बाहर का धूप देख के समझ ही सकते होंगे, ये हम लोग एक या दो के बीच में हम लोग उस गए थे। पहले के मुकाबले भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है वहाँ पे, और सामान भी एकदम से ही कम है। तो चल रहा है, बस दुनिया चलाना है। तो बस हम मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कुछ घूम फिर के आ जाया जाए, तो इसलिए हम लोग निकले थे गाइस। तो आई होप गाइस आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ आप लोग भी लॉकडाउन के बाद चार महीना थोड़ा घूम लीजिए। इसमें ब्लैक नहीं है, बड़ा ब्लैक नहीं है। मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि दीदी आप यहाँ से कुछ ले लो, पर मुझे ऐसा कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ऐसा गोल्डन कलर में मैं ज्वेलरी बहुत ही कम पहनती हूँ, घर में बाहर में बहुत ही रेयर पहनती हूँ, तो मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बट हम लोगों ने कैप्चर कर लिया इस चीज़ को। डिज़ाइन अच्छे अच्छे थे पर मुझे पसंद नहीं आ रहा था पर्सनली। तो बस ऐसे ही आप कुछ कुछ शॉप है जो हम लोगों ने कैप्चर किया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ईयर रिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का था गाइस। अच्छा अच्छे था जो कि आप डेली वेयर के लिए पहन सकते हो। अच्छा है, मैंने एक यहाँ से लिया है, ये मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने रेगुलरली इसके लिए लिया हुआ है। और कुछ कलेक्शन नहीं, आप देख सकते हो पूरा खाली खाली है, ज़्यादा एकदम भी कलेक्शन नहीं है अभी। और बस यूँ ही दुनिया जा रही है, और पता नहीं कब हम लोग अच्छे से बाहर निकल पाएंगे खुशी खुशी स्माइल करते हुए, बेफिक्र हो करके हम लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स या बाहर हम लोग ऐसा कब निकल पाएंगे। सो बस ऐसे ही चल रही है। और ये मेरा लॉकडाउन का दूसरी पारी था जब मैंने बाहर निकली और चार महीना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चार महीना घूम के आऊँ और
गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। सो गाइज बाय अभी के लिए, और चलिए हम लोग सबको मिलकर प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना यहाँ से चला जाए और हम लोग अच्छे से सांस ले पाए बाहर। ओके सो गाइज टिल देन बाय।